प्यारे बच्चों नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम नेशनल सिंबल के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं नेशनल सिंबल। इस बोर्ड पे आपको नेशनल सिंबल दिखाई दे रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम बच्चों को सिखाएंगे कि नेशनल सिंबल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये आकृति दिखाई दे रही है इसको हम बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकाल के बच्चे को बताएंगे कि यह किसकी आकृति है। तो बच्चा बताएगा कि ये बाघ की आकृति है, तो बच्चे को बताएंगे कि हमारा राष्ट्रीय जो पशु है वो कौन है। तो हम बच्चे को बताएंगे हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो है टाइगर, जिसको हम बंगाल का टाइगर कहते हैं। और दूसरा जो चिन्ह है हमारे पास अशोक स्तंभ है, तो इसको बाहर निकाल के बच्चे को दिखाएंगे कि ये एक अशोक स्तंभ है और ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। तो बच्चे को दिखाएंगे, बच्चा इसको निकाल के अंदर वापस डाल देगा। उसके बाद हम कहेंगे कि राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो हम कहेंगे कि ये देखो ये राष्ट्रीय पक्षी है, ये मोर की आकृति है। तो बच्चा इसको निकालेगा फिर अंदर डाल देगा, ये राष्ट्रीय पक्षी है। इसके बाद हम आपको बताएंगे, बच्चे को बताएंगे कि ये जो इस तरह दिख रहा झंडा है, ये इसको हम राष्ट्रीय झंडा बोलते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय जो झंडा है वो क्या है, वो तिरंगा है हमारा राष्ट्रीय झंडा है जो। इसके बाद हम बच्चे को दिखाएंगे कि एक फूल की आकृति है, और जो फूल की आकृति है ये है, बच्चे को दिखाएंगे एक फूल है, कमल का फूल है। तो बच्चे को कहेंगे कि हमारा जो राष्ट्रीय फूल है वो कौन सा है, तो हम कहेंगे बच्चे को कि कमल का फूल है, हमारा राष्ट्रीय फूल है। इस प्रकार इस आकृतियों को देखने से जो विशेष बच्चा होगा वो अपना आई हेड कोऑर्डिनेशन भी कर पाएगा, या ऐसे जैसे इसने बाकी आकृति निकालते हैं हम इसको बीच में डालेगा, वो जब डालेगा तो उसका जो आई हेड कोऑर्डिनेशन भी बढ़ेगा और वो इस कलर एक कलर कंसेप्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगा। और वो बच्चा आकृति के द्वारा इस आकृति के अंदर उसे क्या दिखाई दे रहा है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन भी कर सकेगा कि पशु ये एक बाघ है, ठीक है पशु है। इस प्रकार यदि बच्चे को हम कोई भी आकृति दिखाएंगे, इस आकृति को दिखाएंगे तो वो इस आकृति को पहचान कर सकेगा कि आकृति अशोक स्तंभ है। तो इस प्रकार इस डाइस के माध्यम से हम बच्चे को नेशनल सिंबल जो हैं उनके बारे में जानकारी दे सकते हैं। हम ये जो मोर है, मोर के बारे में बच्चे को बताएंगे, मोर एक पक्षी होता है, ठीक है। और बच्चा इसको उठाएगा, उठा के इसको रखेगा तो इसको डालना सीख जाएगा इसके अंदर। इस प्रकार बच्चा जो है इन पक्षियों के बारे में, इस पक्षी के बारे में जान जाएगा, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इसके बारे में जानकारी बच्चे को प्राप्त होगी। इस तरह से यदि हम बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चा सीख जाएगा। और इस प्रकार सभी बच्चों को ये सिखाया जा सकता है कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से हैं और हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में आपको